Hello everyone, welcome to Learn with Rubly. I am Mohit and I am going to teach you some topics from metrology and instrumentation. तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस फिनिश मेजरमेंट. सो प्लीज अंत तक बने रहिए. तो इस वीडियो में हमने चार टॉपिक्स डिटेल में क्लियर किए हैं. फर्स्ट इज सरफेस रफनेस, सेकंड वेविनेस, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस रफनेस एंड फोर्थ इज सरफेस रफनेस इंस्ट्रूमेंट. सो बेसिकली सरफेस रफनेस क्या होती है? सरफेस रफनेस कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग एन अनइवन और इरेगुलर सरफेस. तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि सरफेस रफनेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई क्वालिटी या फिर स्टेट है किसी भी अनइवन या फिर इरेगुलर सरफेस की. सरफेस रफनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ ए रियल ऑब्जेक्ट विल इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट. जो सरफेस रफ होती है वो यूजुअली ज़्यादा जल्दी वियर होती है और उसमें फ्रिक्शन कोफिशेंट भी हाई होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ सर्फेस. तो बात है वेविनेस क्या होती है. वेविनेस इज द मेजरमेंट ऑफ मोर वाइडली स्पेस्ड कंपोनेंट्स ऑफ सरफेस टेक्सचर. इट इज ब्रॉडर व्यू ऑफ रफनेस बिकॉज इट इज मोर स्ट्रिक्टली डिफाइन एज द इरेगुलरिटीज हुज स्पेसिंग इज ग्रेटर देन द रफनेस सैम्पलिंग लेंथ. तो बेसिकली वेविनेस होती क्या है? वेविनेस भी हमारी इरेगुलरिटीज होती है लेकिन वो जिनमें स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रफनेस. रफनेस में स्पेस कम होता है लेकिन वेविनेस में स्पेस ज़्यादा होता है. थोड़ा फिगर से समझते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये जो कर्व हाइट है रफनेस हाइट ये थोड़ी छोटी है एज कम्पेयर टू दिस वन. इस हाइट को हम वेविनेस हाइट कहते हैं और आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हाइट थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस वन. सरफेस रफनेस और वेविनेस थोड़ी एक जैसी लगती है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है. इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं. सरफेस रफनेस एक लोकल फिनोमेना है जिसको पर कट ऑफ लेंथ मेजर किया जाता है लेकिन वेविनेस एक बल्क फिनोमेना है और वेविनेस को 50 to 100 टाइम्स कट ऑफ लेंथ मेजर किया जाता है विच इज़ ग्रेटर देन सरफेस रफनेस. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस रफनेस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस रफनेस को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज वाइब्रेशन, सेकेंड इज मटेरियल ऑफ द वर्क पीस का मटेरियल भी अफेक्ट करेगा सरफेस रफनेस को. किस टाइप की वो मशीन है ये भी अफेक्ट करेगा. रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मशीन टूल फिक्सर कटिंग टूल एंड वर्क. तो उस सिस्टम की रिजिडिटी जिस पर भी मशीन टूल है वो भी अफेक्ट करेगी सरफेस रफनेस को. और किस टाइप का फिक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का कटिंग टूल हम यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप का वर्क हमें करना है ये भी सरफेस रफनेस को अफेक्ट करती है. कटिंग कंडीशंस क्या है, फीड कितनी दे रहे हैं हम, स्पीड क्या है मशीन की और डेप्थ ऑफ कट कितना दे रहे हैं ये भी अफेक्ट करती है सरफेस रफनेस को. और किस टाइप का हम कूलेंट यूज़ कर रहे हैं ये भी अफेक्ट करती है सरफेस रफनेस को. सरफेस रफनेस को मेजर करने के कुछ मेथड्स होते हैं और वे मेनली तीन मेथड्स हैं. फर्स्ट इज CLA मेथड. अब CLA की फुल फॉर्म सेंटर लाइन एवरेज होती है. तो CLA मेथड क्या कहता है? इन दिस मेथड द सरफेस रफनेस इज मेजर्ड एज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस. मतलब कि इस मेथड में सरफेस रफनेस को एज द एवरेज डेविएशन मेजर किया जाता है नॉमिनल सरफेस से. सेंटर लाइन एवरेज और अर्थमेटिक एवरेज, सेंटर लाइन एवरेज को अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं. इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सेंटर लाइन एवरेज कुछ नहीं है वो जस्ट मेन लाइन से उसके ऑर्डिनेट्स की एवरेज वैल्यू होती है. एंड पॉइंट इज RMS मेथड. RMS को रूट मीन स्क्वायर मेथड भी कहते हैं. RMS value is defined as the square root of the arithmetic mean of the value of squares of the ordinate of the surface measured from a mean line. ये statement simply कहती है कि RMS को ऐसे define किया गया है कि ये mean line से जो surface measure की गई है, मतलब mean line से जो हम surface measure करते हैं उसके ordinates के square करने पर जो हमारे पास value आती है उस value का अगर हम arithmetic mean निकाल के और उसके square root कर दें तो तब हमारे पास जो value आएगी वो root mean square value बोलेंगे हम उसको. हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने थोड़ा इजी वे में बताने की कोशिश की है. इसको एक दो बार सुनोगे तो थोड़ा समझ जाओगे. एंड थर्ड वन इज मीन वैल्यू. द मीन रफनेस और रफनेस एवरेज जिसको RS से एब्रीविएट किया जाता है इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रफनेस प्रोफाइल ऑर्डिनेट्स. इट मीन्स की जो मीन रफनेस है वो रफनेस प्रोफाइल ऑर्डिनेट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का अर्थमेटिक एवरेज है. RA इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सर्फेस रफनेस मेजर्स कॉमनली अडोप्टेड इन जनरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस. RA यानी कि सरफेस एवरेज जिसको मीन रफनेस भी बोलते हैं उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए. इट गिव्स गुड जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाइट वेरिएशन इन द सरफेस. सरफेस में जो भी हाइट वेरिएशंस होती है उसकी काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दे देती है. नाउ द पीक टू वैली हाइट. पीक टू वैली हाइट से क्या मतलब है? पीक टू वैली हाइट मेजर द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सरफेस इरेगुलरिटीज ओवर ए गिवन सैंपल लेंथ. मतलब पीक टू वैली हाइट जो है वो क्या करती है, वो मैक्सिमम डेप्थ को मेजर करती है सरफेस इरेगुलरिटीज की. सो पीक टू वैली हाइट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास गिवन सैंपल लेंथ होती है उसमें जो सरफेस इरेगुलरिटी होती है
उसकी मैक्सिमम डेप्थ को मेजर करती है, और जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होती है डेप्थ की उसको मेजरमेंट के लिए रख लेते हैं या फिर मेजरमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज ऑब्टेंड बाय मेजरिंग द एरिया ऑफ मटेरियल अबव द आर्बिट्रेरली चूजन बेस लाइन इन द सेक्शन एंड द एरिया ऑफ एनवलपिंग रेक्टेंगल। और ये हम हाइट मिलती कैसे, जितनी जो भी हमारी बेस लाइन होती है उस बेस लाइन के ऊपर के मटेरियल का जितना भी एरिया होता है उस एरिया को मेजर करके हमारे पास ये डेप्थ आती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ रफनेस बट इज नॉट बाय एनी मीन्स ए कम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ रफनेस। लेकिन हाँ, ये बाकी के मुकाबले थोड़ा सिंपल मेथड है एनालिसिस के लिए। इन दिस मेथड द मैक्सिमम डेप्थ इज एक्सेप्टेड एज द मेजर ऑफ रफनेस, जो भी बताया। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट मे बी रीड द सेम एच फॉर टू लार्जली डिफरेंट टेक्सचर। इस मेथड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, दो डिफरेंट टेक्सचर के लिए सेम एच को मेजर कर लेता है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस मेथड की। और इस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन को ओवरकम करने के लिए एक 10 पॉइंट हाइट एवरेज को यूज किया जाता है। एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय ड्रॉइंग द लाइन पैरेलल टू जनरल ले ऑफ ट्रेसिस। एंड एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट एंड दिस इज द मैक्सिमम डेप्थ। नाउ सरफेस रफनेस इंस्ट्रूमेंट, सरफेस रफनेस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? सरफेस रफनेस टेस्टर को वर्क पीस के सरफेस रफनेस की मेजरमेंट लेने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेंसर होता है उसको वर्क पीस के सरफेस पे प्लेस करते हैं। जो भी सरफेस हमें मेजर करनी है या फिर जिसकी सरफेस रफनेस हमें मेजर करनी है वहाँ पर हम उसको प्लेस करते हैं, और फिर इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट के लिए स्टार्ट कर देते हैं हम, जो कि एक प्रिसिशन ड्राइव मैकेनिज्म के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ड्राइव होता है अलोंग द मेजर्ड सरफेस टू डू कॉन्स्टेंट स्पीड लीनियर टैक्सीवे। द सेंसर थ्रू द बिल्ट इन शार्प स्टाइलस टू फील द रफनेस ऑफ द सर्फेस टू बी मेजर्ड। तो सेंसर में हम सर्फेस की रफनेस को फील करने के लिए एक शार्प स्टाइलस बनाते हैं, जो भी सर्फेस हमें मेजर करनी है। द रफनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस टू बी मेजर्ड एट दिस टाइम विल कॉज द स्टाइलस टू बी डिस्प्लेस्ड। सो हियर्स द एंड, थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो उसको। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।